यस, एक और नए बच्चे से मिलते हैं जिनका नाम है तुषार, जिनकी ऑल इंडिया 223 रैंक है, जो नोएडा यूपी से हैं, और कहने को नोएडा यूपी में पर एक तरह से दिल्ली ही लग जाता है वो। तो तुषार सबसे पहले, और तुषार को एनआईटी वारंगल अलॉट हुआ है, तो तुषार सबसे पहले एनआईटी वारंगल और एआई 223 के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तुषार, आपको पता है जैसे मैं ये जो सेशन लेता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, उसका मेन पर्पज होता है कि बच्चे एक दूसरे को जाने और कहीं मिसगाइड हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो इस सेशन से अपने आप को रिलेट कर सकें। आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है और उसके बाद आपने एक साल का ड्रॉप लेके ही प्रिपरेशन की थी घर रहते हुए। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो सक्सेस जर्नी है वो क्या थी फाइनल ईयर के समय, मतलब आपने पहले तो निमसेट के लिए कब सोचा, फिर जब ड्रॉप का डिसीजन आया तो क्या क्या चैलेंजेस आए, और किस ढंग से घर पर रह के ऑनलाइन प्रिपरेशन की, ये चीजें आप, मैं चाहूंगा डिटेल में बताएं। सर, मेरा जब फाइनल ईयर का एग्जाम हो चुका था अक्टूबर में, उसके बाद मेरी टीसीएस में नौकरी लग गई थी। बट उस टाइम जो उन लोगों ने ज्वाइनिंग दी तो वो चीजें ऐसी थी कि लाइक सैलरी बहुत कम थी और कहीं और भी उस समय लग नहीं रही थी कोविड की वजह से नौकरी। तो उस टाइम फिर मैंने जनवरी में मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, कुछ आगे मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मास्टर्स के कोर्स करने पड़ेंगे, नहीं तो मेरा नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगा आगे। तो फिर मैंने जनवरी 2021 से निमसेट की तैयारी चालू की थी। मतलब आपने जनवरी से एक्चुअल में पढ़ाई चालू की थी, तो यस सर, एक तरह से ये रैंक जो है वो आपकी केवल 8 महीने की प्रिपरेशन का वो है। यस सर, वेरी गुड, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, या कई जगह ऐसा फैला दिया जाता है ना कि 2 2 साल 3 3 साल लगेंगे, पर देखो इम्पीटस का यही रिजल्ट है। कई बच्चे जो ऊपर के भी मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ कि किसी ने 8 महीने 10 महीने 1 साल में इतनी अच्छी रैंक दी। तो आप ये बताओ कि आपकी पढ़ाई में, जो आप घर पे पढ़ाई करते थे, तो क्या क्या चैलेंजेस आए? सर पहले तो ये रहता था, पहले तो ये नहीं पता था कि किस पाथ को फॉलो करूँ, लाइक कौन से टॉपिक्स पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। तो पहले सर इम्पेटस की वीडियो ही मैंने आपकी वीडियो देखी थी जो पहले से डली थी, तो उसमें आपने पाथ बताया था, पहले अलजेब्रा, फिर ट्रिगोनोमेट्री, फिर कैलकुलस, तो उसी को मैं फॉलो करता हुआ चला, एक एक टॉपिक को कवर करता हुआ गया। और साथ में मैंने हर एक टॉपिक के बाद 10 ईयर्स के क्वेश्चन भी करे, जिससे मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद से सेकंड ये प्रॉब्लम आती थी कि कंसिस्टेंट भी इसमें कभी नहीं रह पाते थे, लाइक कभी कभी हुआ कि मन ही नहीं हो रहा पूरा दिन पढ़ने का, तो वो भी चीज आती थी बीच में। बट अगर मुझे मन नहीं हो रहा है किसी दिन एक दिन पढ़ने का, तो मैं उस दिन गैप देके, उस दिन रेस्ट लेके नेक्स्ट डे से वापस सेम जोश के साथ पढ़ाई चालू कर देता था। ठीक है, लाइक ये नहीं किया कि कभी 2 दिन 3 दिन एक संग गैप दे दूं, जिससे फिर मुझे आगे और दिक्कत हो जाती। तो ठीक है, इसलिए मैं एक दिन रेस्ट लेके वापस से नेक्स्ट डे से वापस अपनी पढ़ाई चालू कर देता था। ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम घर पे रह के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत पड़ती है, जिसको अगर मेंटेन कर लिया तो बच्चा अच्छी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो पहले बताओ तुषार, जब आपको लगा कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो ड्रॉप लेते समय मन में क्या क्या विचार आए, क्योंकि ड्रॉप का डिसीजन लेने में कई लोग बहुत देर कर देते हैं, तो आपका क्या थॉट था उस प्रोसेस पे? सर उस टाइम बहुत परेशान था, बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि ये भी लगता था अगर नहीं क्लियर हुआ तो क्या करेंगे ये भी, और प्लस एक मैं जॉब छोड़ के इसे कर रहा था, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। बट उस टाइम मुझे यही सही लगा कि मुझे आगे पढ़ना ही है, जब आगे कुछ कोर्स करना ही है तो फिर इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जब आगे अपना प्रोग्रेस चाहिए तो मुझे करना है ये चीज। ये बात बहुत अच्छी बोली तुषार, कि कई बार मन में कंफ्यूजन होता है, और सबसे ज्यादा ड्रॉप वाले बच्चों को ये होता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और स्पेशली आपने तो एक जॉब जोड़ी छोड़ी थी डीसीएस की, पर वैसे वो जॉब छोड़ना तो आपका सही डिसीजन था, क्योंकि वो जॉब जो है वो आपको शॉर्ट टर्म तो ठीक है, पर लॉन्ग टर्म उसमें ग्रोथ मिलना मुश्किल होती, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती। तो ये एक चीज था, कहीं ना कहीं आपके पास एक जॉब अचीवमेंट था, तो वो भी एक प्लस पॉइंट था कि नहीं यार अभी जॉब मिल गई तो आगे अच्छा करके और मिलेगी। और मैं एक चीज और बताता हूँ कि ये जो जॉब आपको मिली थी, इस जॉब के वजह से आप देखिएगा आगे जाके प्लेसमेंट में आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। जब आप एनआईटी वारंगल में अपना परफॉर्मेंस दोगे और इंटरव्यू होंगे जब कैंपस आएंगे, तो ये जॉब कहीं ना कहीं आपको एड ऑन करने वाली है। यस सर, बिल्कुल। और उस टाइम सर मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि लाइक उस टाइम अगर ज्वाइन मत करो, कर लो पढ़ाई, तो उस चीज के लिए मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैं उन्हें भी बहुत थैंकफुल उनके लिए।
चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो तुषार ये बताओ कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और उन बच्चों को जिनके कई बार ग्रेजुएशन के बाद जॉब लग जाते हैं या जो ड्रॉप लेने से घबराते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनको बस यही बोलना चाहूंगा कि घबराएं नहीं, कंफ्यूज ना हो। अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है, अगर अपना ग्रोथ चाहिए आपको, तो आप जरूर कहें, निमसेट करें। और इम्पेटस बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करेगा आपके ड्रीम्स अचीव करने में, जैसे मुझे हेल्प की। चलो बहुत अच्छा लगा तुषार आपसे बात करके, ऑल द बेस्ट। अब ऐसे ही आप NIT वारंगल में भी अच्छा परफॉर्म करें। वंस अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।